दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन से काफी अच्छी कार्टून की वीडियोस जो है वो बना सकते हो। जी हाँ, आप अपने स्मार्टफोन से, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी दावा कर रहा हूँ कि आपको एडिटिंग का जो है ई भी नहीं आता होगा, तब भी आप अपने स्मार्टफोन से काफी अच्छा कार्टून एनिमेशन रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो, जो कि आपके स्क्रिप्ट पे आधारित होगा। अगर आप अच्छी खासी स्क्रिप्टिंग करते हैं किसी भी रिलेटेड, जैसे कि आप कहानियां मन में सोचते हैं और उसे नोट करके आप चाहते हैं कि इसे एक कार्टून का रूप दिया जाए जो कि वीडियो के फॉर्मेट में हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर एडिटिंग का ई भी नहीं आता तो आप यहाँ पर कार्टून वीडियोस बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल कर लीजिएगा। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आप भी बनाना चाहते हैं कार्टून एनिमेशन वीडियोस, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे सिंपल तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है ये मैं आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे ट्यूटोरियल। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमेम्बर और ऐड फ्रेम और जस्ट यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐड फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गॉट इट पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो ऐप का जो सिंपल सा इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल सा नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझना है इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और एक बैकग्राउंड जो है वो चूज कर लेना है अपने किसी भी कार्टून एनिमेशन वीडियो के लिए। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं किसी एक बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ जो कि हॉल वाला बैकग्राउंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड को जो अनलॉक करने के लिए वहाँ पर आपको 2 क्रेडिट एक्सपेंड करने होंगे या फिर आप 2 एड्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 एड देख लेता हूँ फ्री में यहाँ पर बैकग्राउंड को अनलॉक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर आगे कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका यहाँ पे करेक्टर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ, जो कि मेरा पहला वाला होगा टॉम। तो यहाँ पे टॉम को मैं चूज करके यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ टॉम को, और मैं अपने इस कैरेक्टर में दूसरा कैरेक्टर जो लूंगा वो होगी निक्की। हमारी जो दूसरी कैरेक्टर वो होने वाली है निक्की, और निक्की को यहाँ पर मुझे बैठाना होगा इस सोफे पर, क्योंकि एक कैरेक्टर हमारा यहाँ पर है और दूसरा कैरेक्टर हमारा इस सोफे पर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं निक्की को इस सोफे पर बैठा देता हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करना होगा क्योंकि एक कार्टून एनिमेशन यहाँ पर है, तो एडजस्टमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप यहाँ पर एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे से कर लें। तो यहाँ पर मैंने निक्की को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है जैसे लगे कि वो इस सोफे पर बैठी हुई है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो एनिमेशन जो है वो क्लियर हो चुका है, बट यहाँ पर आप जैसे ही इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉम जो है वो एंग्री, लाफ, नॉर्मल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी जो है यहाँ पर आपको कैरेक्टर के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा पिटाई वाला कैरेक्टर दे देता हूँ, जो कि टॉम यहाँ पे देखने पे काफ़ी फनी भी देखने को लग रहा है। अब यहाँ पे निक्की को मैं यहाँ पे देखने को ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट वाले कैरेक्टर में निक्की को यहाँ पे मैं देखने को ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपको ये एनिमेशन क्लियर करने के लिए वो होगा वॉइस वाला। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पर निक्की वाले वॉइस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैक्स, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इस वाले आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरा, फर्स्ट मूवी, यहाँ पे ये सभी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शेयर वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। बट अब बात ये आ जाती है कि आप इस वीडियोस को, जैसे कि आपने अगर वीडियो क्रिएट कर लिया है तो कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी गूगल प्लस या फिर फेसबुक से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप एक कार्टून एनिमेशन काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।